फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ का गणित सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 23 करने जा रहे हैं। और आई होप दोस्तों आपने इसे जो है ना वर्कशीट को बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आकृति 3 में मतलब ये जो दिया हुआ है दोस्तों, यदि पी ओ बाई इक्वल टू 90 डिग्री है तो ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है, तो सी का वैल्यू आपको क्या करना, फाइंड आउट करना। और जो फिगर 4 में है दोस्तों, जो है ना ये पी आर एस क्यू इस तरह का जो है ना शीर्षाभूमिक विमुख कोण दिया हुआ है, और 360 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। आइए, माना कि ए इक्वल टू 2 डिग्री, तो पी ओ बाई इक्वल टू 90 डिग्री, और बी इक्वल टू 2:3x, मतलब रेशियो जो दे रखा है तो 2x और 3x हमने मान लिया, इसीलिए एंगल ए और एंगल बी 2x और 3x है। तो एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, तो इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि वो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक्स पी और y ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं p o और y ये 90 डिग्री का है। ओके, तो ये इसमें जो है ना 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वल टू 180। तो ये 2x प्लस 3x और प्लस 90, तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 3 और x और 2x 5x हो गया इक्वल टू 180, और माइनस ये राइट साइड में प्लस में, तो लेफ्ट साइड में प्लस में, तो राइट साइड में माइनस में हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया। तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90 अपन में 5, तो x इक्वल टू 18 डिग्री। तो अब x का वैल्यू, अब जो है ना यहाँ जो मैंने इक्वेशन मान लिया 1, तो यहाँ जो है ना 2x की जगह पे डाल देंगे और 3x की जगह पे डाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो a इक्वल टू 2 × 18 इक्वल टू 36, और b इक्वल टू 3 × 18 इक्वल टू 54। अब m o n एक सरल रेखा है, तो एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री, तो रैखिक युग्म से है, तो एंगल 54 प्लस एंगल c इक्वल टू 180, तो एंगल c इक्वल टू 180 माइनस 54, तो 126 हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों, माना कि एंगल 1 कितना है, 50 डिग्री है, और एंगल आर ओ वाई, आर ओ वाई आप गौर से देखिए दोस्तों, आर ओ और वाई, ठीक है, ये कितना है, एक सरल रेखा है, और ये एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, और आर ओ पी ओ एस और आर ओ क्यू जो है ना, पी ओ एस अगर दोस्तों ये 50 डिग्री है, तो शीर्षाभूमि कोण से जो है ना आर ओ क्यू भी हो जाएगा ये मतलब 50 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, तो 51 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 50 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तो इक्वल टू एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल जेड इक्वल टू 130 डिग्री। तो इसीलिए पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, और एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 में से आप 50 को घटाएंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा। तो और एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभूमिक कोण से, तो ये 130 हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 23 सॉल्यूशन था। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।